कल दगड़ू सेठ के दरबार में खूब रौनक रही। पुणे के शिवाजी नगर में चैत्र मास की पंचमी को दगड़ू सेठ हलवाई गणपति को मोगरे के फूलों से सजाया गया। इसे मोगरा महोत्सव भी कहा जाता है। इस साल मंगलवार को अंगारकी चतुर्थी के ठीक अगले ही दिन यानी कि कल दगड़ू सेठ गणपति को सजाया गया। इस सजावट में 5000 किलो से ज्यादा फूलों का इस्तेमाल हुआ। कल आधी रात 3 बजे तक मंदिर खुला रहा। दावा यह है कि करीब 2 लाख भक्तों ने दगड़ू सेठ के दर्शन किए और बहुत ही अद्भुत दगड़ू सेठ का यह स्वरूप दिखाई दे रहा था। उनके दर्शन के लिए 2 लाख भक्त कल पहुंचे। हम इस वक्त खड़े हैं पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति जी के यहाँ। आज के दिन यहाँ पर पूरे मंदिर को मोगरे से सजाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा क्यों है कि यहाँ पर अंगार की चतुर्थी के अगले दिन ही मंदिर को सजाया जाता है। भारत में जो नया साल शुरू होता है वो गुड़ी पाड़वा से शुरू होता है चैत्र मास में, और चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसके दूसरा दिन जो पंचमी आती है उस पंचमी के दिन गणेश जी को चंदन उटी का लेपन लगाया जाता है, और जो भी फ्लावर्स है जो भी अलग अलग तरीके के जो नेचर हमको देता है इस महीने में उसका अभिषेक गणेश जी को किया जाता है। उसमें 5000 किलो ये सभी सुवासिक फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है, और जो हमारे भारतवासी है बहुत टेम्परेचर बढ़ता है तो वो टेम्परेचर सहने की शक्ति हमको दे, और हमारा जो किसान है वो भरपूर वर्षा हो और सभी किसान और हमारी भारत की जो जनता है वो सुजलाम सुफलाम हो जाए और गणेश जी के आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसी भावना से हम लोग ये पुष्प अर्चना गणेश जी को करते हैं। ये 50 लाख फूलों की पुष्प अर्चना गणेश जी को की है। सभी भक्तों की ओर से गणेश जी को ये प्रार्थना है कि अच्छी वर्षा हो और हमारे भारतवासी सभी सुखी हो। ये है ABP News, आपको रखे आगे।